दीपांकर बलग बेटा बनाओ बे हाँ कत तक कल अपनी लगे ये सब दीपांका ये डी एस डब्ल्यू निकी क्या कैसे हो सब लोग हम लोग फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के ट्राई कर रहे हैं हम लोग से नहीं होता है तो अभी क्लास हुआ अभी क्लास खत्म हुआ ऐसे लैब तो हम लोग घूम रहे हैं ऐसे गेट टू में गया अभी फिर से ऐसे राउंड मार के माइक कैफे के सामने से आ रहा था तो फिर से इसने क्या किया उसने किसी एक उसका फ्रेंड का छाता लेके मतलब आ गया तो अभी फिर से उस जो पीछे है उससे मतलब हम लोग रिटर्न होके फिर से आ रहे हैं हम उस जगह में आप लोग देख सकते हो सामने जा रहा है फिर से रिटर्न हो गए भाई साहब यहाँ पे नेहू में मतलब ऐसे आपके पास बाइक नहीं है तो आप ऐसे वॉक करते हो तो पूरा फट जाता है लेकिन इस भाई साहब को याद ही नहीं है तो हमको फिर से लेके जा रहा है तो ठीक है ना अभी कहाँ है ये कहाँ है इसका कहा था इंडोर स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम के बारे में नहीं बोल रहा तुम चाहता किसको देने वाले थे उसको तो दे दो ना आप देख सकते हो इंडोर स्टेडियम के सामने नेहू का और पीछे जो है ये डी एस डब्ल्यू है यह हमारा नेहू का माई कैफे जहाँ पे पूरा नेहू में से इसमें ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ से जाना पड़ता है आज कभी इकट्ठा लोग ज्यादा हो रहे हैं इकट्ठा रहने नहीं बुलाएंगे यहाँ पे अभिजीत खाना खा रहा था उसको पता नहीं है कि मैं चुपके से उसका एक स्लोमो ले लिया देख कैसे खा रहा है भाई इसका चक्कर में ना आज हम लोग का ना पूरा मतलब इवनिंग चला गया हम लोग कब आया था इस रोड से आया था हम लोग रिटर्न होकर गया था तो अभी वहाँ पे चाहता दिया था तो फिर से इसको मिलने के लिए हम लोग गया क्या माई गेम माई गेम में जाने के बाद वो पराठा खा रहा था 95 दे के भाई पूरा उसका पूरा खड्डा ना 95 दे के एक पराठा खाया तो अभी कैसा क्या बोलना चाहिए हम लोग का टाइम भी वेस्ट हुआ तुम एक रोटी एक पराठा खाया पैसा भी वेस्ट हुआ खाना तो अच्छा था ना इसलिए तो दाम ज़्यादा है तो प्रॉब्लम क्या है तो उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है बट प्रॉब्लम हम लोग का हुआ तुमने हम लोग का टाइम वेस्ट किया ऐसे ही तुम खाना खा के तो बोल सकते थे लेकिन एक बेनिफिट तो हुआ ना कितने टाइम हुआ डाउन टू सेकंड के ला ए तोलो पर उठी पर लग गया होबे पता कौन कर थी तिमान को सो भाई ओए कुत्ता कर लिया ओए कर लिया आ जा आ जा ओए ओए ये हो रहा है नेहू में ना जहाँ पे अनेक फिल्म का शूटिंग हुआ था अभी आप लोगों को दिखाते हैं मेरा सामने ही है हमारा नेहू में भी आजकल फिल्म भी शूटिंग हो रहा है हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है फिल्म देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग को यूनिवर्सिटी में कुछ शूटिंग हुआ इतना बड़ा फिल्म के लास्ट शूटिंग में हम लोग को पता ही नहीं है अभी ये वही जगह है जहाँ पे अनेक फिल्म का एक शॉर्ट क्लिप है जहाँ पे यहाँ पे शूटिंग हुआ था सामने से हमारा डिपार्टमेंट आ जाता है डिपार्टमेंट एंड हॉस्टल आ जाता है और यहाँ से नीचे से जो आयुष्मान उड़ाना पूरा जीप लेके जाता है ना पूरा स्पीड से वही स्पॉट है ये लेकिन साला हम लोग को पता ही नहीं है भाई यहाँ पे कुछ शूटिंग हुआ बाद में फिल्म देखने के बाद पता चल रहा है कि नेहू का जगह ला ये देखो इतना नीचे हम लोग को जाना पड़ता है उठने के टाइम तो बात ही अलग सा है हम लोग को कैसे उठते हैं हम लोग को पता चलता है कभी कभी हम लोग यहाँ से आ जाता है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से पूरा मतलब आईटी इसी सब कनेक्शन है एक साथ तो यहाँ से हम लोग कभी नहीं आते किंतु जाने के टाइम अच्छा लगता है जब उठने के टाइम चौप फटता है यहाँ पे एक शॉर्टकट है यहाँ पे सेम शॉप में जाने के लिए यहाँ पे आप लोग कभी आएंगे तो आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ कभी मतलब रात में आएंगे ना तो आप लोग यहाँ पे आके रात में जब आएंगे आप लोगों को यहाँ पे एक व्यू मिलेगा ना इतना अच्छा क्या बोलो ये ऊपर से देखना ऊपर से जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है रात में पूरा एक अच्छा सा व्यू आएगा पूरा लाइटिंग पूरा यहाँ पे अंधेरा रहता है पूरा इस साइड ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है और ये सामने हम लोग का डिपार्टमेंट है ये और ये व्यू भाई साहब गजब का व्यू आता है रात में जब नेहू में आएंगे तो इस जगह में आ जाना तो आपको मिल जाएगा ऐसे ये आईटी का डिपार्टमेंट है ये आर्किटेक्चर नीचे आर्किटेक्चर है ये आर्किटेक्चर सामने आप मिडिल में यहाँ पे आ जाना मिडिल में आके रुक लेना रुक के यहाँ पे देख लेना पूरा ये आईटी का डिपार्टमेंट है इतना अच्छा व्यू मिलता है भाई आपको भी पता चल रहा है इतना से ज़्यादा सैटरडे संडे
तो इतना ज़्यादा अभी उठा उठ के अभी जिसको कॉल किया चार महीने के लिए छोटी कैंटीन में आया था, छोटी कैंटीन में आके अभी रुका हुआ है यहाँ पे। इतना अच्छा व्यू है आप देखो, हम लोग का मतलब डिपार्टमेंट के पीछे है एक जगह, ये कोई भाई ने अपना गाड़ी ठीक कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। और पीछे यहाँ पे हॉस्टल है पीछे, आप देखो इतना व्यू, अच्छा व्यू मिल रहा है। अभिजीत ये देखो बैठा बैठ के उनका मतलब इसका माइंड फ्रेश होना है तो इसलिए ऐसा बैठा हुआ है, बैठ के गाना सुन रहा है, स्वामी सेन कुछ भी गाना सुन रहा है। तो अभिजीत क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है सर? हम्म, भाई साहब वहाँ से आया था एसओडी कैंटीन के पीछे से, आने के बाद जब एसओडी कैंटीन में मतलब खाना आने के लिए आया तो बाद में देखो आप लोग कैसे बारिश हो गया पता ही नहीं चला, इतना बारिश अभी आ गया। यहाँ पे कब बारिश आता है ना कुछ पता नहीं चलता है, क्या हम छाता लेके ही घूमना पड़ता है, जहाँ पे जाओ छाता लेके जाओ। अभी आया खाना आने के लिए, देखो कितना बारिश, अभी बारिश दे रहा है पूरा। अभी जावे कहने के अभिजीत पूरा कड़ब को ना सत आठ लोया है वो कारण वो अभिजीत अब देखो अभी दो मिनट में मतलब बारिश दिया तो ये देखो पूरा फ्लड हो गया, इतना सारा बारिश देता है यहाँ पे, इतना सारा बारिश कितना टाइम होगा भाई बारिश दिया, हाफ एन आवर होगा, बाप रे इतना बारिश देता है पे। ये देखो पूरा नेहू नेहू डूब गए चल सामने, ये इतनी देर जगह के लिए हम लोग को इतना टाइम रुकना पड़ा। यहाँ पे मेरा हॉस्टल है सिंपर हॉस्टल, ये सामने किला है ये सिंपर, ये हम लोग का हॉस्टल। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, ब्लॉग बनाने का ट्राई किया था मतलब, तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में। अगर मेरा ब्लॉग ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, तो मुझे भी थोड़ा मिलेगा ना अच्छा मिलेगा, तो और एक वीडियो बनाने का मतलब उत्साह आएगा। तो ये वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय, और एक वीडियो में मिलते हैं, बाय।